हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी पावर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्लूकोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में। ग्लूकोफ्लेक्स टैबलेट में जो कंटेंट पाया जाता है वो बिस्कोडिल पाया जाता है, और बिस्कोडिल जो होता है एक प्रकार के एडिक्टिव ड्रग है। फ्रेंड्स, जो ग्लूकोफ्लेक्स टैबलेट होता है इसके प्राइस की बात करें तो आपको 12 रुपया में देखने के लिए मिल जाएगा, और ये आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा, और ये बहुत ही फेमस ड्रग है दोस्तों। फ्रेंड्स, आप जानते हैं जो ग्लूकोफ्लेक्स टैबलेट होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है और इसकी प्रिकॉशन क्या होता है। तो बस मेरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि ग्लूकोफ्लेक्स टैबलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, मतलब इसका यूज़ क्या होता है। तो ग्लूकोफ्लेक्स टैबलेट का यूज जैसे दस्त का प्रॉब्लम हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है या आपके पेट सही से साफ नहीं रहता है तो उसके लिए ये टैबलेट यूज़ किया जाता है, या आपके इंस्टेटाइन या आपके आंत में किसी भी तरह के प्रॉब्लम हो जाता है तो ये टैबलेट लेने से आपको बहुत ज़्यादा आराम दिलाता है दोस्तों। और फ्रेंड्स, इस टैबलेट का उपयोग जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की वजह से आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है तो इसे लेने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं इसके डोज के बारे में कि इस टैबलेट को कब लेना है कब नहीं लेना है। तो ये टैबलेट को आप जब भी ले तो एक टाइम ले सकते हैं, सुबह खाने से पहले या इवनिंग टाइम में आप ले सकते हैं, या ये अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी ले सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, आप जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है इस टैबलेट को लेने से। तो ये टैबलेट लेने से आपको साइड इफ़ेक्ट जैसे पेट दर्द की समस्या हो सकता है, पेट में ऐठन हो सकता है, या लाइटरिंग के रास्ते में आपको ब्लडिंग हो सकता है, इस तरह का आपको समस्या हो सकता है ग्लूकोफ्लेक्स टैबलेट लेने से। अब ऐसा बहुत कम लोगों को होता है, अगर ऐसा आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है दोस्तों तो ये टैबलेट को लेना बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराएं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं इसकी प्रिकॉशन क्या क्या होता है। इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो अगर आपको पेट में दर्द है तो ये टैबलेट नहीं ले सकते हैं, यदि आपको लीवर या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो ये टैबलेट बिल्कुल भी ना लें, और प्रेगनेंसी वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन भी ये टैबलेट को ना लें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे फार्मेसी पावर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।